कोटा के औषधि नियंत्रण अधिकारी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह लाइसेंस बनाने की एवज में 6000 रुपए रिश्वत ले रहा है। सड़ेबाज और रिश्वत लेने का यह मामला यूं तो 2016 का है, लेकिन वीडियो सामने आने से ड्रग कंट्रोलर महोदय की काली करतब उजागर हुई है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि भ्रष्ट स्टेट ड्रग कंट्रोलर देवेंद्र गर्ग किस तरह चोरी और सीना चोरी करते हुए रिश्वत मांग रहा है। फिलहाल कोटा ACB पूरे मामले की जाँच कर रही है। दरअसल दवाइयों का होलसेल काम करने वाले चंद्र प्रकाश राठौर ने लाइसेंस के लिए ड्रग विभाग में आवेदन किया था। इसके लिए असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर देवेंद्र गर्ग 6000 रुपए की रिश्वत मांग रहे थे, लेकिन चंद्र प्रकाश रिश्वत नहीं देना चाहता था। काफी दबाव बनाने के बाद काम करवाने के लिए आखिर चंद्र प्रकाश को रिश्वत देनी पड़ी, लेकिन चंद्र प्रकाश भ्रष्ट असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर देवेंद्र गर्ग की काली करतूत को उजागर करने की ठान चुका था। रिश्वत के लिए लाडपुरा स्थित दुकान के आसपास बुलाए जाने पर चंद्र प्रकाश ने अपने साथी से पूरी घटना का वीडियो बनवा लिया। 3 साल तक इस मामले को दबे रखने के सवाल पर चंद्र प्रकाश ने बताया कि आरोपी स्टेट ड्रग कंट्रोलर को 1-2 दिन बाद किसी तरह वीडियो बनाए जाने की जानकारी मिली तो उसने उसे बुलाकर धमकाया और चुप रहने को कहा। काम में परेशानी आने के डर से चंद्र प्रकाश चुप रहा, लेकिन इसके बाद भी असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर यदा कदा उसे परेशान करता रहा। आखिर चंद्र प्रकाश ने ACB की शरण ली। चंद्र प्रकाश कोटा ACB एडिशनल SP ठाकुर चंद्रशील से मिला। PD चंद्र प्रकाश ने बताया कि उसने असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर देवेंद्र गर्ग की ACB को लिखित में शिकायत दी। PD चंद्र प्रकाश का कहना है कि स्टेट ड्रग कंट्रोलर देवेंद्र गर्ग से उसे जान का खतरा है। जी सर, बात तो इसी है कि मेरे को लाइसेंस चाहिए दुकान के लिए, और दुकान के लाइसेंस के लिए मैंने अप्लाई किया तो ऑफिस में जाने के बाद पता लगा कि भाई ये कार्रवाई पूरी। उसके बाद दुकान का इंस्पेक्शन का टाइम आया तो मेरे को दुकान बुलाया गया। सुबह 9:15 की बात है करीब, मेरे को फोन करके आया, फोन आया इनका कि आगे दुकान है उससे खत्म। तब की क्या है कि इस बंदे का दुकान पाने का हक ही नहीं बनता, क्योंकि ये ABC है, ये काम DI का है। मेरी बात तो ये दुकान आया फिर बोलता है मेरे को कि 6000 लगा सर, ऐसा सेकंड तो नहीं सर, वैसे तो मेरा सर क्या कि कितना जाएगा ना 5000, उन्होंने 1000 और दे दिया। अभी 1 घंटे में लाइसेंस देना होता है, मजबूरी थी, काम करना मार्केट में देना पड़ेगा, अधिकारी लोग हैं दिया कैसे। वीडियो की बात पता नहीं कैसे लीक हुई, क्या हुआ ये तो पता नहीं चला। बाकी ये है कि मेरे को दुकान बुलाया जहाँ मैं पहले काम करता था, वहाँ पे बुला के मेरे को डराया धमकाया। इसके 1-2 और साथी हैं मार्केट के, उनका नाम भी उसमें नहीं बोला, उन्होंने मुझे बुलाया और धमकाया कि तेरे साथ कुछ भी हो सकता है, संभल के रहना, अगर वीडियो ओपन हुई तो तू जाने के तैयार नहीं देगा जो भी होगा। तो ACB में पूछा, चंद्रशील जी के पास गया सीधा, उनको मैंने बताया सर ऐसी बात है, उन्होंने बोला ठीक है जो भी हुआ ठीक है, मैं तेरी मदद कर सकता हूँ जहाँ तक होगा। तो एक लेटर को लिख के लिया कि भाई ये इस तरीके का अधिकारी है, रिश्वत दिखाता है, पूरा एविडेंस जो भी तेरे पास है सब कुछ यहाँ पर प्राप्त है।